नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या का मामले में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सूत्रों की माने तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फेफना एसएचओ शशि मौली पांड्या को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड। वहीं एसएचओ राजीव मिश्रा को थानाध्यक्ष बनाया गया है, जो सोनभद्र से आए हैं। जिले में पहला चार्ज मिला है। वहीं पुलिसिया कार्य प्रणाली की जाँच हो रही है। एसपी ने एसएचओ को किया निलंबित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। बीती रात पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। फेफना थाना क्षेत्र के फेफना कस्बे के मामला। घर के बाहर ही बदमाशों ने रतन सिंह की कर दी थी हत्या। जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर आनंद स्वरूप शुक्ला ने परिजनों से संवेदना जताई। किसी भी प्रकार की नहीं होगी लापरवाही, जो भी दोषी पाया जाएगा इसके ऊपर होगी कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप देखेंगे कि हर एक दिन अच्छा गाड़ी कार्रवाई हुई अभी आगे बर्खास्त किया जाएगा। जानते हैं वो पैसा लिया, मेरा भतीजा इस तरह नहीं गया। कल लिटर निकलेगा प्रधान के बाउंड्री को यहाँ लाश इस तरह मरी गई। और ये जनों का जी खेद रहे हैं, मेरा भतीजा चला गया, खेद रहे हैं। हर जगह से इनकी जानकारी है, इस गोल में है वो पैसा लिया है, या 5 लाख ले या 10 लाख ले। कार्रवाई हुई, जांच हुई, बिल्कुल अभी सस्पेंड भेल प्लान, आगे भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई निलंबन नहीं हुआ। हेलो, मुझे दीपा पोस्ट की प्रवृत्ति है, चार्ज दे दिया वो 6 महीने के अंदर ही। नहीं, वहाँ लॉकअप से भी एक मुलजिम भागा, उसमें भी उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक सीधा प्रोटेक्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक मिनट मानो जी, सबसे बड़ी बात है, मान के एक नंबर रुका है, मानो आम लोगों को छोड़ यार, वो बात का पटकार सबसे बड़ी बात है। हम लोग सबसे बड़ा आक्रोश बात कर रहे हैं कि मृतक के पिता ने तहरीर क्या दिया और डीआईजी ने क्या बयान दिया। यदि आपको डीआईजी ने जो बयान दिया है वो बहुत मैंने निंदनीय है, और डीआईजी ने बयान दिया है स्पष्ट रूप से कि भूसा रखा था, तो ये रखा तो रखा था, और ये कार्रवाई की है, और वो रखा था तो आपने क्यों नहीं निरोधात्मक कार्रवाई किया। आज उसके बाप कह रहे हैं कि उसको उसके घर से बुला करके ले जाया गया, और पहले से वहाँ इतने लोग थे और उन लोगों ने रिवाल्वर कट्टा और लाठी डंडे से लैस होकर के और हमला करके हत्या किया, और डीआईजी के पास नई सूची कहाँ से आ गई। तो हम लोग तो के रतन के मोबाइल पर फोन करके बुलाया गया था। मौके पे रात में न पुआल था न भूसा था, उसका वीडियो भी है, मौके पे नहीं था। आधार पर अगर डीआईजी का बयान आया और रिपोर्टिंग जिस स्तर से हुई है उसकी भी जांच होगी और निश्चित रूप से करवाई। कम से कम जो है ये एक अगर संरक्षण सरकार है वो कहती है कि हम दे रहे, कम से कम इस तरह की स्थिति को भाई ये कहाँ तक आप जो है पत्रकार के परिवार को करते हैं। नहीं, सवाल ये है मंत्री जी कि अगर किस तरीके की रिपोर्टिंग एसपी लेवल पे अगर डीआईजी को दी जाती है तो क्या शासन को भी यही चीजें बताई जाती है कि भूसे की वजह से, पुआल की वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जबकि उनके बयान के बाद तुरंत सारे मीडिया कर्मी उस स्थान पर गए जो विवादित स्थल था, वहाँ ना कोई भूसा था ना कुछ था। वहाँ एक व्यक्ति से पूछे भी हम लोग, रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है कि भाई शाम को कोई झगड़ा यहाँ हुआ था, बोला नहीं भाई साहब यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, क्या कोई किसी ने पुआल या धान रखा था हल्का करने का। इसका मतलब ये है नहीं केवल ये किला है कि पत्रकारिता से संबंधित नहीं, पत्रकारिता संबंधित एक पत्रकार की हत्या हो रही है, एक पत्रकार की हत्या में और एक आम जन की हत्या, भाई उनके लिए पुलिस के लिए एक आम घटना हो रहा है, हमारे परिवार का एक सदस्य की हत्या हुई है, और हम मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही की भेट रहा है वो आदमी, लगातार वो कह रहा था, लगातार वो पुलिस अधिकारियों से कह रहा था, उसने 2 साल से कहा, 2 साल से आत्मरक्षा के लिए अपने भाई के मौत के बाद आत्मरक्षा के लिए असलहे का लाइसेंस अप्लाई किया था। भवानी सिंह कहंगारो जैसा भ्रष्ट डीएम यहाँ 550 असलहा दिया और उस आदमी को असलहा दे दिया, चार्ज दे दिया गया उसको, फिर कल को चार्ज दे दिया जाएगा, सस्पेंशन को उसका है ना। वो आदमी आत्मरक्षा के लिए असलहा अप्लाई किया था अपने भाई के मौत के बाद, ना ना रुकिए ना, 550 असलहे यहाँ डीएम भवानी सिंह कहंगारो 50,000 रुपये में रेवड़ी की तरह बांटा, और उसके पास 50,000 नहीं था, उसको नहीं मिला असलहा, 2 साल से अप्लाई किया, उसका भाई मर गया, वो भी मर गया, कराके निलंबित हुए, इससे पहले भी निलंबित हुए थे, उनकी खुद की बंदूक चोरी हो गई और फिर जाके फेफना का थानाध्यक्ष बना दिया गया, कौन सा पनिशमेंट उनको मिल गया फेफना में, लॉकअप से मुलजिम भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जांच कल कप्तान साहब पुलिस वाला मरता है तो अपन आरोपी की गाड़ी पलटा दी जाती है सरकार। कल पुलिस अधीक्षक के हवलदार की तरह लड़ रहे थे कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे, नहीं हाजिर नहीं करेंगे। समस्या डीआईजी ने नहीं है, मैंने एसपी को डीआईजी ने हिचक हो रहे थे कि निलंबित कर दिया बता दिए है तो पहले लाइन हाजिर करे। जब वसूली का गैंग तैयार कर लिए हैं बलिया में कि जो लोग वसूली करके देंगे वो चाहे जो मन करे वो करें, कोई अच्छा किसी राजनेता किसी पत्रकार के जवाब का कोई जवाबदेही उनके पास नहीं है, न मिलना न बात करना चाहते पता नहीं कितना। जिस तरह से कल घटना दिखाई घटना हुआ रतन सिंह को गोली मार दी गई, क्या सरकार के द्वारा क्या रतन सिंह कार्रवाई की बात है? कार्रवाई की बात घटना अत्यंत दुखद है, हम सभी इस घटना से अत्यंत मर्माहत है। माने तब ना एकदम आगे लगा दे रहे हैं, हद कर दिए यार। रतन सिंह जी एक उदयमान पत्रकार थे, बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे, मेरा भी उनसे बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को रात में ही उनके संज्ञान में आया। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी, भी 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी और मुख्यमंत्री जी अन्य भी व्यवस्थाएं जो स्वर्गीय रतन सिंह जी के पत्नी को उनके बच्चे को होना चाहिए उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। मंत्री जी परिवार के अकेले थे और चले गए तो 7 लोग हैं। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह किया है और निश्चित रूप से आप सभी की भावनाओं के साथ हम सभी हैं। वो पूर्व में भी दुखद रूप से उनके बड़े भाई भी नहीं रहे और आज भी नहीं, रात में 12 बजे उनके पिताजी से मेरी फ़ोन से बात भी हुई और जो भी आप सभी की भावनाएं हैं उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके परिजनों की व्यवस्था उनकी पत्नी को नौकरी मिलेगी लाभ देंगे। आप सभी की मांगों से मैं भी सहमत हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये बहुत न्यायोचित मांग है, होना भी चाहिए, होगा। अच्छा जी, पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई बहुत धीमी रही, अगर क्विक होती तो शायद अपराधी तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार हो गए होते। थाने के दूसरा पुलिस बदले की भावना से यहाँ काम कर रही है, जब पुलिस का अधिकारी मारा जाता है पुलिस कर्मी मारे जाते हैं तो आरोपियों के मकान गिरा दी जाती है। रतन सिंह के परिजनों का कहना है कि अपराधियों को बताया गया कि इस मकान में है तो वहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर ने ये कहा कि भग जाओ नहीं तो तुमको, यानी कि पुलिस संरक्षण देकर या तो गिरफ्तार की है ना तो उनको भगाई है। इंस्पेक्टर के बारे में सूचना आई, उन्हें निलंबित भी किया है प्रशासन ने और इस प्रकार की शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी जांच होगी। घटना स्थल को गिराया जाएगा जैसे अन्य मामलों में सरकार गिरवा दे रही है? ये तो कानून की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूँ कि पूज्य योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में भी एक माननीय पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, इसे पूरा प्रदेश पूरी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ली है, एक चुनौती हमारे लिए है और हम जरूर इस प्रकार कार्रवाई करेंगे जिससे आप सभी को संतोष होगा। सभी पत्रकारों की मांग है कि 50 लाख रुपये और एक नौकरी, इस पे सर स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, इसलिए घर में कोई कमाने वाला बच्चा नहीं, 5 बच्चे हैं, मेरी 3 महिलाएं हैं, एक पिता है वो भी असहाय है, कोई कमाने वाला नहीं है, एक आदमी था वो चला गया। मैंने जो इस प्रकार रात को घटना की जानकारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया उसके बाद जो उनके द्वारा घोषणा की गई है, आगे भी आप सभी की जो मांग है उसके साथ मैं भी अपने को सहमत करते हुए मुख्यमंत्री जी से एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आपकी भावना के अनुरूप इस मुआवजे की राशि को भी बढ़ाएं और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था करें। मंत्री, इस मामले में पुलिस की भूमिका की जांच होगी, जैसे कि डीआईजी का जो बयान आया है कि भूसा और उसके लिए विवाद हुआ उसके बाद गोली मारी गई, पुलिस की भूमिका की जांच होगी क्या? रिपोर्टिंग सही नहीं की गई है इस आधार पर डीआईजी ने बयान दिया? मैं एकदम विश्वासपूर्वक आप लोगों को कह रहा हूँ शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी के साथ, इसमें जो भी रिपोर्टिंग भी गलत अगर हुई है
जिसने भी इसमें लापरवाही की है उसके विरुद्ध भी जांच होगी और कार्रवाई जरूर होगी। मंत्री जी, बलिया में अपराध का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है और पुलिस लगातार संदिग्ध घेरे में आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है, सरकार क्या एक्शन ले रही है इसके? मैंने पहले भी कहा कि पूज्य योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। अपराध और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई ढिलाई है उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। ठीक है।